सो रहे हैं अभी, 5:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं। ये अपना बैग, ये अपना कमरा और ये हमारी मुर्गा आ रहा है। स्वाति जी चलें, स्वाति जी चलें, मुर्गा चलिए, करिए लिफ्ट। कैसे करते हैं, करिए करिए, गुड। मुर्गा को सब पता है। और ये अपनी गाड़ी, आज इस धंधों की थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी, काफ़ी गंदी हो रही है। हाँ भाई मुर्गे, आज मुर्गा बहुत खुश है भाई, सुबह सुबह उठ गया, 3 बजे से उठा हुआ मुर्गा। भैया जी निकल रहे हैं हम यहाँ से, पंचशील ग्रीन टू है ये अपनी, और जयपुर के लिए अपने परिवार के साथ बने रहिए। रुक जाओ, नॉट नेटवर्क प्रोवाइड में चेंज या क्या जी? कैब? ओ कैब ले लो, ले लो। ये अपना पुराना अड्डा, आज अपने मुर्गे के साथ आए हैं भैया खाना खाने, और यहाँ पे दीदी हमारा गौरव भाई
मुर्गा झूला जाए, झूला जाएगा। ओए ओए झूला बंद तो कर रहा, ये वाला लगेगा झूला अभी परी का। डेढ़ सौ किलोमीटर चलने के बाद हम लोग चलो चलो आए मुर्गे। मैं आता हूँ यार, चलो वॉशरूम देखो। वॉश और भैया यहाँ चलो 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 स्टार्ट 1 2 सेकेंड सॉरी चलो जल्दी जल्दी, काफी अच्छा है भैया, बच्चों की एक्टिविटी का भी है। मुर्गे ओए मुर्गे ओए मुर्गे, ये मुर्गे की चलो 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 ओए आ जल्दी, अंश का भी आ रही है। शुम गुड ये देखो छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बच्चे भी। ये देखो इनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है इनकी। और गौरव जी लगे हुए हैं। हेलो हेलो गौरव हाँ बैठ, और धीरे धीरे झूले उड़ते उड़ जाओगे ना। आज मेरी एनिवर्सरी है गौरव। उनसे लास्ट थर्ड एक्टिविटी है ये। बैठो 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 परी बैठो बैठो, गिर मत जाना। हाँ भाई मुर्गे कैसा लग रहा है, खाना कैसा लगा? बढ़िया था खाना, चाय तो पीते नहीं हो? आराम आराम से चाय कीजिए। हमारे लोग लगे, सारे लोग लगे हुए हैं भाई, जब अपने अपने झूला झूलने पे गौरव। और अच्छा लगता है फैमिली के साथ, आज ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग आए थे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा। चलो दोबारा से रीटेक। क्योंकि दोनों गाड़ियाँ पे हाँ। और खाना खाने के बाद फाइनली हमें सेकंड सीएनजी पंप मिल गया था, इजी मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी हम लोगों को। और यहाँ पे जो सीएनजी के रेट थे वो 93 रेट थे, दिल्ली से तो काफ़ी महंगी थी। और ये हमारी बच्चा पार्टी मौज लेते हुए, हम लोग सीएनजी भरवा रहे थे और ये लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था अपने परिवार के साथ जाते हुए, और सीएनजी की लाइन भी काफ़ी लंबी थी। और ये नज़ारे हैं आपके जयपुर के, जयपुर से मात्र 20-30 किलोमीटर रह गया है यहाँ से जयपुर, और यहाँ से पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाते हैं।
जयपुर में, काफ़ी अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ आइए, एक ट्रिप तो बनती है फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे गाड़ी का नज़ारा, इधर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है। ऐसी बात नहीं है कि जयपुर में हरियाली नहीं है, हरियाली भी काफ़ी है, पहाड़ भी बहुत हैं जयपुर में। कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पर पहाड़ों का, और फैमिली के साथ और अच्छा लग रहा है घूमते हुए। यहाँ के घर भी काफ़ी अच्छे होते हैं जो रोडों के किनारे होते हैं, अच्छा लगते हैं, लोग इंजॉय करें। और यहाँ के लोग भी अच्छे थे। हम भी अच्छे थे। अच्छा रहता है, कॉमेडी करते चलो, हंसाते चलो, हंसते चलो। और ये हमारा तीसरा टोल है जयपुर के लिए, जो कि आई थिंक 55 रुपीज के अराउंड होगा। ये लास्ट टोल है जयपुर का। और हमारे आगे महिंद्रा बुलेरो, एक नंबर की दिख रही है जो, और बराबर में ये लाल सेंट्रो, नहीं i10, i10 है, i10 जो भी है हमारी तो इससे अच्छी है। ऐसा अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलते, वो भी अच्छी है, सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सबका साथ सबका विकास। और ये जाम लग रहा है, हालांकि टोल पे नहीं होना जाम चाहिए। नहीं जाम नहीं, वो टोल पे वो ये कैश वाले लोग बहुत टाइम लगाते हैं। यो हनी सिंह। और ये हमारी परी, पुनीत भैया की पापा की परी। और यहाँ पर यो हनी सिंह का विक्ट्री का साइन करते हुए, हालांकि यहाँ पर गाना था लेकिन मजबूरी कॉपीराइट की वजह से हटाना पड़ा वो गाना। कोई नहीं, हम ये कॉपीराइट का सिस्टम जल्दी बदलेंगे। यो ये जीत चुकी है कि दांत दिखाते हुए। तो गाइस फाइनली हम जयपुर पहुंच चुके हैं, हमारे सामने पहाड़ दिख रहे हैं हमें, और हम लोग काफ़ी खुश हैं और टाइमली हम लोग पहुंच चुके हैं। और पहाड़ों को देख के तो खुशी आपको पता ही है। और भाई जान जयपुर में घुस चुके हैं हम लोग, और ये जयपुर की मार्केट स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे हम टाइम से ही पहुंच गए हैं, टाइम से ही निकलना चाहिए ताकि टाइम से पहुंचे, टाइम से अच्छे से घूमे बिना किसी थकान के। और स्टेशन के नियर बाई में ही हमारा होटल था जो हमने ले रखा था, और वो आगे ब्लॉग में हम दिखाएंगे कहाँ पे हम लोग स्टे किया था, कैसे कहाँ पहुँचे थे। ये यहाँ के नॉर्मल पीपल, इनका भी अच्छा ही मज़ा है, जयपुर में ही रहते हैं लोग तो दूर दूर से घूमने आते हैं, तो रहते यहाँ पे हैं, बहुत अच्छा लगता हुआ इनको भी। ये नॉर्मल मार्केट यहाँ की जयपुर में, ये जैसे हमारे साइकिल वाले भैया छा रहे हैं, पिंक शर्ट पहन के पूरे। आज अभी पूरी ओपन नहीं हुई है क्योंकि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे, मे बी 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे वहां पर, और अच्छा है टाइमली, हमें कोई जाम भी नहीं मिला और ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत भी नहीं आई। और ये हमारे भाई भाभी को बाइक पे घुमाते हुए, आज कह दिया था भाभी ने खाना ही नहीं बनाऊंगी नहीं घुमाया तो। बस गाइस हम पहुँचने वाले हैं होटल, फिर वहाँ से हम जाएंगे मंदिर सबसे पहले। ये हमारा रूम है भैया, जो हमें 1200 रुपये में पड़ा है और हमने 2 दिन के लिए लिया है। अच्छा है रूम, ठीक है, AC भी लगी हुई है, वैसे ज़रूरत नहीं है, मौसम ठंडा है,
लेकिन फिर भी तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। आज के लिए गुड नाइट, सब बाकी।